सुमन अपने जीजा के साथ बाजार गई थी। उसने आज लाल कलर की ड्रेस पहन रखी थी, जिससे वह इस ड्रेस में कयामत लग रही थी। बाजार से वापस आते समय उसके जीजा ने, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सुमन ने अपने जीजा को थैंक यू बोला। तब उसके जीजा ने आगे की, अगर मैंने तुम्हारे दीदी से शादी ना की होती तो मैं तुमसे ही शादी करता। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जीजा की प्यारी प्यारी बातों से सुमन शर्मा गई और उनका चेहरे शर्म से लाल हो गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। सुमन स्कूटी चला रही थी और उसका जीजा पीछे बैठा था। सुमन को लगा कहीं गाड़ी टकरा ना जाए, तो उसने स्कूटी खड़ी करके एक जगह रोक दी। सुमन के जीजा ने पूछा, क्या हुआ? सुमन ने गाड़ी क्यों रोक दी? सुमन कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर समझने कि जीजा जी आप गाड़ी चलाइए, उसके जीजा ने सुमन की हालत समझ ली और समझ से गाड़ी ले ली। तभी ना जाने क्या हुआ कि सुमन गाड़ी पर बैठने से पहले अपने जीजा की होंठों पर किस कर लिया। यह देखकर उसका जीजा दंग रह गया। आखिर सुमन ने अपने जीजा से कह दिया कि आप मुझे पसंद हैं। सुमन की ऐसे हरकतों से उनका जीजा मुस्कुराने लगा। उस दिन सुमन रास्ते में ना होता तो उनकी जवानी की तो क्या होती। मुझे तो उसका जीजा उसकी वक्त ले लेता, पर हालात ऐसे थे कि उन दोनों को जल्दी घर जाना था। इस वजह से सुमन सीधा घर आ गई और अपने कामों में लग गई। उस दिन के बाद सुमन का जीजा जब भी अकेले में कालिका को सुमन के गले लग जाता या लिप किस करके चले जाता। अब उन दोनों को एक दूसरे के जज्बात को पता चल चुका था। इस वजह से एक दूसरे से अच्छे से मिलने की अपनी तैयारी कर लग गए। यह तैयारी सुमन के जीजा जी कर रहे थे। उस दिन के बाद वो दोनों जब भी खाली होते तो मोबाइल पर अक्सर घंटों बातें करते थे। वीडियो कॉल पर अपना ओपन होकर अपनी पूरी बॉडी अपने जीजा को दिखा देती थी। ऐसे करने पर सुमन के अंदर कामुकता जग जाते थे। उस वक्त सुमन कॉलेज में मास्टर की डिग्री की तैयारी कर रहे थे, तो सुमन को कोचिंग की ज़रूरत पड़ती थी। जीजा ने सुमन को देख कोचिंग के बारे में बताया। यह कोचिंग उनके घर के आगे जाने वाले रास्ते में थी। सुमन को वहीं पर दाखिला लेने को कहा। घर में भी सब किसी बात के लिए राजी हो गए। सुमन बहुत खुश थे। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद सुमन जीजा के साथ आने जाने लगी। अपने जीजा के बाइक पर ही वह आती जाती थी। इस तरह से काफ़ी दिनों बाद बीत गए। एक दिन सुमन ने प्लान बनाया। उस दिन सुमन कोचिंग के एक्स्ट्रा क्लास का बहाना बनाकर जीजा के साथ, उसके जीजा ने होटल में एक कमरा बुक करा रखा था। सुमन उस होटल में पहुँचे, टाइम पर पहुंच गई। उसके पास शाम तक का समय था। कमरे में पहुंचने के बाद सुमन के जीजा ने खाने पीने के लिए ऑर्डर किया, जो कि वेटर रूम में ही खाना लेकर आ गया था। फिर दोनों ने खाना खाया। उसके बाद वो दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए। काफ़ी ज़्यादा खुश थी। सुमन ने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदल लिए, जो वह अपने साथ लेकर आए थे। बाथरूम से बाहर आते ही सुमन के जीजा ने सुमन के बाहों में ले लिया। समझ में छोटा सा टॉप फोर जींस पहन रखा था, जिसे समझ से अभी देख रही थी। फिर उसके जीजा ने सुवा को गोद में उठाया और किस करने लगे। फिर समझने जीजा की कुर्ता उतारा और पजामा का नाड़ा खोल लिया। उसके जीजा ने भी सुमन के टॉप उतार दिया। अब सुमन अपने जीजा के सामने बिना टॉप के खड़ी थी। सुमन के जीजा को किस करने लगा। जब उसका जीजा अपने आप को
बाहर हुआ तो सुमन को खोलकर उसके साथ मनमानी करने लगा। सुमन भी इस चीज़ का मज़ा ले रही थी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।